हैं आप, आशा है अच्छे होंगे। तो पिछले बार जो हम आपका जो चैप्टर 4 में है ना, चैप्टर 4 में ये लॉ ऑफ मोशन हम लोग देख रहे थे, ठीक है भाई? ए सॉरी, मोशन इन ए प्लेन, ये देख रहे थे मोशन इन ए प्लेन, है ना, इन ए प्लेन, ठीक है? तो मोशन इन ए प्लेन हम ये देख रहे थे। तो मोशन इन ए प्लेन में मतलब आपको जैसे बताया था कि भाई एक्स और एज वेल एज क्या होगा वाई, ये दोनों जो है डायरेक्शन इसमें काम करते हैं, ठीक है भाई? तो अब जो है उसको हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, है ना, कहाँ, थ्री डायमेंशन में भी। जैसे आपको यहाँ पे आपने देख लिया था, वो यदि अगर ले रहे हैं और इस डायरेक्शन में एक्स कंपोनेंट काम कर रहा, और जो है तो इधर पे जो है यूनिट वेक्टर हमने आई लिया था, वाई वाले में जे लिया था, थ्री डायमेंशन वाले में के लिया था, ठीक है? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिया था। तो इसी को यदि अगर हम थोड़ा एक्सपेंशन करते हैं, तो यहाँ पे यदि अगर मान लीजिए हम थ्री डायमेंशन मोशन ले रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ से थ्री डायमेंशन मोशन ले रहे हैं, तो थ्री डायमेंशन मोशन में भाई इनके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना? इनको किस रूप में, जो मान लीजिए कि यदि अगर ये इस तरीके से हमने एक्स वाई और जेड, है ना, ये बना लिया, एक कोऑर्डिनेट्स बनाया, मान लीजिए हमने ये ओरिजिन लिया, तो इस और जो है एक्स है, तो यहाँ पे कंपोनेंट ए एक्स हो जाएगा, इसी तरीके से वाई है तो इस तरफ कंपोनेंट है ना जो है ए वाई होगा, इसी तरह इस तरफ जेड तरफ है तो मान लीजिए कंपोनेंट ए जेड हो गया। अब मान लीजिए इनका यानी कि ए एक्स ए वाई और ए जेड का जो रिजल्टेंट है मान लीजिए ए हो रहा है, ठीक है? अब यदि अगर मान लीजिए हमें यहाँ से ये वाला एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कंपोनेंट आपका ए एक्स हो रहा है, तो ए मान लीजिए ए एक्स वाले के साथ में ए जो हमारा रिजल्टेंट है उसके साथ एंगल क्या हो रहा, मान लीजिए अल्फा हो रहा है, ठीक है ना? तो लेट है ना दी एंगल ले लेते हैं, है ना, एंगल है ना बिटवीन, बिटवीन क्या हो जाएगा, जो ए एक जो रिजल्टेंट था एंड जो ए एक्स ये कंपोनेंट है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, अल्फा है। तो यदि अगर ये एंगल अल्फा लिए तो इस इधर पे ये जो कंपोनेंट है उसके साथ क्या होगा, अपन ने देखा था ये वाला कॉस वाला काम करता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंपोनेंट अगर हम ले लेते हैं ए एक्स ये डायरेक्शन वाले में हॉरिजेंटल कंपोनेंट ले लेते हैं, तो ये आपका रिजल्टेंट के साथ होगा, तो ये होगा ए कॉस अल्फा, ये ध्यान दे। इसी तरीके से मान लीजिए ये जो है आपका रिजल्टेंट ए है और ये वाई है, वाई के साथ में इसका एंगल क्या मान रहा, मान लीजिए बीटा, तो इसका कंपोनेंट यानी कि जो है ए वाई अगर मैं ले रहा हूँ तो यहाँ से हो जाएगा ए और कॉस, मान लीजिए एंगल क्या बना बीटा, तो ये सेकंड हो जाएगा। सिमिलरली मान लीजिए ये जो ए लिया है इसके साथ में एंगल क्या हो रहा है, यहाँ पे ये गामा हो रहा है जेड वाले के साथ, तब क्या होगा एक्स वाई और जेड वाले के साथ क्या होगा, ए कॉस गामा। तो इस तरीके से अल्फा बीटा और गामा यानी हम एंगल के टर्म्स में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है भाई? ये क्लियर है ना? तो ये वाला भी इसके सामने वाली साइड है तो ये भी ए वाई हो जाएगा, और ये वाला इसके सामने वाला साइड है तो ये भी ए जेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यदि अगर मान लीजिए हम इसका क्या बता रहे हैं, ये तो हो गया कि इनका पर्टिकुलर यदि अगर हमें रिजल्टेंट यानी डायरेक्शन यदि अगर बताना है, तो ए बराबर ये किसके बराबर होगा, टू कोऑर्डिनेट सब जब आपने लिया था तब रिजल्टेंट क्या था, ए बराबर ए एक्स आई था और प्लस क्या था, ए वाई जे था। और यदि अगर मान लीजिए तीन कंपोनेंट है तो क्या हो जाएगा, ए एक्स आई हो जाएगा प्लस ए वाई जे हो जाएगा प्लस क्या होगा, ए जेड जो है ये के हो जाएगा, ठीक है भाई? ये यूनिट वेक्टर ये ऐसे लगे हुए रहेंगे, ठीक है? अब यदि अगर मान लीजिए मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसा पिछले बार आपने देखा था, तो मैग्नीट्यूड यदि अगर टू डायमेंशन था तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर होता था, यहाँ पे भी जो मैग्नीट्यूड मान लीजिए ए इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट होगा ए एक्स स्क्वेयर होगा प्लस ए वाई स्क्वेयर होगा और प्लस क्या होगा, ए जेड स्क्वेयर होगा। तो इस तरीके से इसका जो है मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, ठीक है भाई? तो ये क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसमें बता सकते हैं। ऐसा ही यदि अगर मान लीजिए पोजीशन वेक्टर, जिसको आप क्या मानते थे, आर मानते थे, तो पोजीशन वेक्टर जो है आर ये सबका सम होता था,
ये हो जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई है ना, जे प्लस ए जेड के है ना, ये तीनों को ऐसा करके शो कर सकता है। तो आर के लिए ले रहे हैं तो एक्स ले हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इन तीनों के टर्म्स में हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमको ये मिल जाएगा और हम जो है इसको कंपेयर करके भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यदि अगर जैसे मान लीजिए पोजीशन वेक्टर हमने आर लिया तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस क्या बता सकते हैं जेड और के, इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि अगर मान लीजिए केवल टू डायमेंशन है तो कई बार हमें जब ऐड करना होता है दो जो है वेक्टरों को, यदि अगर ऐड करना है और टर्म्स क्या है एक्स और वाई के टर्म्स में, तो यदि अगर मान लीजिए ए हमने लिया हुआ था अभी कंपोनेंट, तो ए बराबर क्या लिया हमने टू डायमेंशन में ए एक्स आई प्लस क्या लिया ए वाई जे ले लिया है। ठीक है भाई, ऐसा ही यदि अगर मान लीजिए कोई वेक्टर यदि अगर बी है ना, तो बी यदि अगर लेते हैं तो क्या होगा यहाँ से बी एक्स आई हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा बी वाई क्या होगा जे होगा। अब मान लीजिए हम इनको जोड़ना चाहते हैं है ना, नॉर्मल इसमें जोड़ने में वेक्टर से जोड़ने में ग्राफिकल मेथड जोड़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो एनालिटिकल मेथड से जोड़ा जाते हैं ना डायरेक्ट। तो वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी को यदि अगर मैं जोड़ देता हूँ तो वेक्टर क्या है हमारे पास ए एक्स आई है प्लस ए वाई क्या है जे है, और फिर यहाँ से प्लस ले लेता हूँ तो क्या होगा बी एक्स आई होगा प्लस बी वाई क्या होगा जे होगा। तो यहाँ से यदि अगर इनको लिख लिया जाए तो ए एक्स और प्लस यहाँ से क्या होगा बी एक्स होगा, तो आई अपन कॉमन ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से ए वाई होगा और प्लस बी वाई होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा जे आएगा। तो इस तरीके से ये कंपोनेंट में अपन लिख सकते हैं और इसको चाहो तो हम आर के साथ भी तुलना कर सकते हैं। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो सपोज करो कि भाई आर यदि अगर पोजीशन वेक्टर है और आर बराबर मान लीजिए हमने कैपिटल आर बराबर बोला, तो आर बराबर हमने ले लिया है ना, ले लिया वेक्टर ए प्लस है ना बी हमने लिया हुआ था, तो आर बराबर मान लीजिए कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में आर एक्स आई हुआ और आर वाई जे लिया मान लीजिए। तो यदि अगर इसके बराबर लिख देते हैं तो क्या हो गया, इसके बराबर आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, तो ये अब क्या हो गया आई आई के कंपोनेंट अलग बराबर करते हैं तो आर एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, आर एक्स डायरेक्शन में ए एक्स आई होगा प्लस क्या होगा बी एक्स है ना, आई तो कैंसिल आउट होगा दोनों तरफ तो ए एक्स प्लस बी एक्स होगा। और ऐसा ही यदि अगर आर वाई वाला लेते हैं तब हो जाएगा बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा बी वाई होगा। तो क्लियर है, इस तरीके से कंपोनेंट में रिसॉल्विंग भी होगा और किस तरीके से इनको जोड़ सकते हैं ये भी हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम थ्री डायमेंशन वाले में भी जो है कर सकते हैं। तो थ्री डायमेंशन में कैसे होगा, बहुत इजी है ना। तो देखो एडिशन इन थ्री डायमेंशन, एडिशन इन थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशन में वेक्टरों को ऐड करना है तो किस तरीके से होगा। तो सपोज करो कि यदि अगर एक जो है एक वेक्टर ए है तो वेक्टर ए बराबर ए डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा ए एक्स आई होगा प्लस ए वाई जे होगा प्लस ए जेड क्या होगा, अब थ्री डायमेंशन है तो ये और जुड़ जाएगा के होगा। सिमिलरली यदि अगर मान लीजिए बी ले रहा हूँ दूसरा वेक्टर तो बी बराबर होगा बी एक्स आई होगा प्लस बी वाई जे होगा प्लस क्या होगा बी जेड के होगा, हो गया ना। अब यदि अगर मान लीजिए हमको आर बराबर हमें जोड़ना है तो वेक्टर ए प्लस क्या होता है बी होता है, तो आर बराबर वेक्टर ए तो ए की वैल्यू है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस है ए जेड के है, और फिर यहाँ से प्लस ले लूँगा तो ये आ जाएगा तो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे और प्लस क्या है बी जेड के। तो यदि अगर मैं इनको थोड़ा अरेंज करूँ तो आर को भी क्या लिख सकता हूँ, अभी चपन ने देखा था आर को हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड और के। ठीक है भाई, तो ये लिख सकते हैं है ना।
ठीक है, या आर एक्स लिख सकते हैं चाहो तो, आर एक्स लिख लीजिए, आर वाई लिख लीजिए और आर जेड लिख लीजिए। तो अब इनको बराबर करते हैं, तो आर एक्स बराबर क्लियर है क्या हो जाएगा बताइए। आर एक्स मतलब होगा कि ए एक्स प्लस यहाँ से, यहाँ से क्या होगा बी एक्स होगा, और प्लस क्या होगा यहाँ से, है ना, ये दोनों मिल जाएगा, ए एक्स बी एक्स मिल जाएगा। ठीक है भाई, सिमिलरली आर यदि अगर मान लीजिए वाई निकालता हूँ तो ए वाई होगा प्लस बी वाई होगा, और यदि अगर आर जेड निकालता हूँ तो यहाँ से होगा ए जेड प्लस बी जेड। तो क्लियर हुआ, इस तरीके से ये जो है, ये जो एडिंग है ये क्या हो जाएगा कंपोनेंट में रिसॉल्विंग के बराबर भी हो जाएगी। तो इस तरीके से क्लियर है, तो इस तरीके से हम जो है इनको जो है डायरेक्ट इनको कंपोनेंट में रिसॉल्व में या उनको वेक्टर फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। तो वेक्टर से रिलेटेड हम एक ये प्रॉब्लम को देखें, है ना, इस टाइप की जो प्रॉब्लम कभी कभी पूछी जाती है ना, जो वेक्टर बेस्ड पे होती है। तो आपको क्वेश्चन दिया है कि रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड ऑफ, रेन जो है फॉल डाउन कर रही है, मान लीजिए वी आर इस तरीके से फॉल डाउन कर रही है, तो वी आर जो रेन फॉल डाउन कर रही है वो कितना जो है 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फॉल डाउन कर रही है। विंड स्टार्ट ब्लोइंग, है ना, मान लीजिए एयर चलना स्टार्ट हुआ आफ्टर सम टाइम विथ स्पीड ऑफ 12 मीटर सेकेंड, तो मान लीजिए विंड की स्पीड अपने लिए लिया 12 मीटर पर सेकेंड ले ली हमने, है ना, इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो इसके लिए हम पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, तो ये हो गया आपका ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ है और ये एक साउथ डायरेक्शन है। तो यदि अगर मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन से, है ना, यानी इस डायरेक्शन से मान लीजिए इस डायरेक्शन की ओर आ रही है, तो है ना भाई, तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की ओर ये आ रही है। मान इन वी डायरेक्शन शुड ए बॉय वेटिंग एट ए बस स्टॉप होल्ड इज अम्ब्रेला। अब यदि अगर मान लीजिए एक लड़के ने यदि अगर एक अम्ब्रेला रखा है तो उसको किस तरीके से जो है होल्ड करके रखना चाहिए। तो आप देख लीजिए कि मान लीजिए जैसे ये विंड की स्पीड हो गई और ये इसकी हो गई। अब सपोज करो कि उसने जो है थीटा एंगल बनाते हुए, है ना, ये छत्ता हो गया मान लो, है ना, ये छत्ता ले लिया और छत्ता के साथ में इसका जो एंगल मान लीजिए थीटा ले लिया। तो थीटा जो एंगल जो है ये उसको कितना रखना चाहिए ये हमें निकालना है। ठीक है भाई, और दूसरा ये हो जाएगा कि भाई जो है उसका मैग्नीट्यूड भी जो है ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन ले लेते हैं, यहाँ पे एंगल आपको मालूम है तो टेन थीटा बराबर लेते हैं, तो टेन थीटा यदि अगर लेंगे तो यहाँ से हो गया परपेंडिकुलर, है ना, और बाय क्या हो गया बेस हो गया। तो यदि अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूँ तो यहाँ पे ये होगा वी डब्लू, और अगर बेस की बात करूँ तो हो जाएगा वी आर। तो ये दोनों का वैल्यू निकाल देते हैं, तो टेन थीटा के लिए यहाँ से देख ले वी डब्लू की वैल्यू है यहाँ पे 12 और VR की वैल्यू कितनी है 35, इसको डिवाइड कर देते हैं और बाद में टेबल से थीटा एंगल देख लेंगे कितना हो रहा। तो ये मान लीजिए अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये एंगल आ रहा 0.3, है ना, 43। तो ये अगर हम इसको टेबल में देखेंगे तो टेबल में ये वैल्यू मिल जाएगी, तो थीटा इक्वल देन ये मिल जाएगी हमारी, है ना, ये थीटा की वैल्यू इस केस में अगर टेबल देखते हैं तो ये मिल जाएगी 90 डिग्री के करीब। तो ये लगभग 90 डिग्री के करीब मिलेगा, तो उसको 90 डिग्री से उस अम्ब्रेला को रखना चाहिए। और दूसरा यदि अगर भाई यदि अगर मान लीजिए ये इतने स्पीड से आ रही है और ये वाला इतनी स्पीड से आ रही, तो टोटल जो है मैग्नीट्यूड कितना होगा यानी टोटल स्पीड कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो इसके लिए निकालने के लिए ये रिजल्टेंट है वी आर, है ना, तो R इक्वल देन आपने एक फार्मूला देखा था, है ना, जैसे रिजल्टेंट तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B देखा था, तो ऐसा ये भी देख सकते हैं अपन। तो R बराबर वेक्टर A कितना हो रहा, ये वी आर हो रहा, और प्लस क्या हो गया वी डब्लू हो गया, ये वेक्टर का फॉर्म हो गया। और अगर मैग्नीट्यूड बात करूँगा तो मैग्नीट्यूड तो आपको मालूम है कि जो है R का मैग्नीट्यूड लेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस क्या होगा वी डब्लू का स्क्वायर। तो ये जो है R बराबर यहाँ वैल्यू रखिए, तो VR का स्क्वायर आप हो जाएगा अंडर रूट
ये 35 का स्क्वायर और प्लस कितना था 12 का स्क्वायर, इनको स्क्वायर कर लीजिए और ऐड कर दीजिए और बाद में उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो ये लगभग आ रहा 37 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपने देखा कि भाई वेक्टरों को यदि अगर ऐड करना है तो कैसे होता है, उनका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे होता है, दो वेक्टरों को कैसे जोड़ा जाता है, उनके बीच का एंगल को कैसे निकाला जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप इसके भी देख सकते हैं। ये वेक्टर का इम्पोर्टेंस है। अभी वेक्टर जो है ये बेसिक हैं, आगे चल के वेक्टर जो है डायरेक्ट यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो उस दौरान आपको जैसे 12th क्लास में, हायर क्लास में से में ये पता ही नहीं चलता है कि भाई यहाँ वेक्टर किस ढंग से जुड़े हैं या क्वांटिटियाँ किस ढंग से जुड़ी हुई है। तो आप इनको चैप्टरों को ध्यान से देखिए। यदि अगर आप पुराने चैप्टरों को नहीं देख पाए हैं तो यूट्यूब पर जो है मेरे बाकी चैप्टर जो है वो अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ से देख लें। और अगर आपको कोई दिक्कत जाती है तो ज़रूर से 9494243 और 6877 पे जो है अपनी क्वायरी आप ज़रूर बताएं। ओके भाई।